नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। हमारी यात्रा जौनपुर में आ गई है। जौनपुर जहाँ की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एक समय फेमस थी, बड़े कॉलेजों को, पूर्वांचल के बहुत सारे कॉलेजों को एफिलिएशन देती थी। इमरती फेमस है, ये पीछे वाला शाही पुल फेमस है, और यहाँ की राजनीति जो है वो तो फेमस है ही है। मछली शहर लोकसभा सीट जो लगती है जौनपुर भी है ही। अब नेताजी लोग के नेताजी जो आते हैं बस में, कई कई बार अपने गनर लेकर आ जाते हैं, और गन वन से हमको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है और मेरे दर्शकों को थोड़ी सी दिक्कत। तो नेताजी लोग के गनर जो हैं वो एक सेफ़ दूरी बना लें, कम से कम हम लोगों से सेफ़ रह सकते हैं आप लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, हम उनसे थोड़ा सा जौनपुर के बारे में पूछेंगे कि जौनपुर में किन मसलों पर उनकी नज़र है इस बार, किन मसलों पर वो बातचीत रखना चाहते हैं, किन मसलों पर वो अपने जनप्रतिनिधियों का, प्रत्याशियों का, पूर्ववर्ती सरकारों का और मौजूदा सरकारों का जवाब चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। और ये लोग शहर के लोग हुए हैं तो इनमें से कुछ लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग तैयारी करने वाले हैं, कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ किसी पार्टी के हैं। तो मिला जुला के सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल लीनेज हो सकती है। इसका ज़रूरी नहीं है कि सब कोई नेता ही है, सब कोई कुछ नेता हैं और कुछ लोग जनता हैं। गुरु, आपसे बात करें सर, आपसे बात शुरू करें। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? अनिल अस्थाना मेरा नाम है। अनिल जी, जी अनिल जी, हमसे हम लोग की शाम एक बार मुलाकात हुई थी आधे पौन घंटे पहले। हाँ, चलते चलते। हाँ, एक बार। हाँ, तो अनिल जी, हम आपने बताया था कि आप क्रिकेट कोच हैं और आप इसके पहले पत्रकारिता भी कुछ समय तक कर चुके हैं कुछ अखबारों के साथ। जी जी, और मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं। जी सर, क्या समस्याएं हैं जौनपुर में अभी इस समय? क्या क्या चीज़ पार्टियों के, सरकारों के और पूर्ववर्ती सरकारों के, अखिलेश, योगी, मिला जुला के सबके लिटमस टेस्ट की तरह यूज़ हो सकता है, क्या है ऐसा अब इस समय? तो जैसे कि जो भी विकास के काम हैं, जनता को चाहिए क्या? भाई, जनता तो सरकार को सिर्फ इसलिए चुनाव करती है कि रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, इसी के लिए जनता चुनाव करती है सरकार का। रही बात यह कि विकास दूसरी चीज़ होती है कि हमको विकास के फ्रेम में रखा जाए। स्थिति ये है कि विकास अभी कहीं पे कायदे से दिख नहीं रहा है, जबकि 5 साल सरकार के पूरे हो गए हैं और अब दिन जो है गिनतियों में रह गया है सरकार का, कि किसी भी दिन अधिसूचना लग सकती है, फिर नया चुनाव आ सकता है। अभी तो लगभग है 15। तो जब चुनाव आ जाएंगे तो फिर वादों की बयार चलेगी। तो पिछले वादे जो थे वो अभी सब पाइपलाइन में ही पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि हमारा शहर ही पूरा पाइपलाइन में फंसा हुआ है। मतलब यहाँ पे सीवर के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं और गड्ढों की ये स्थिति है कि गड्ढे आज तक ढके ही नहीं जा पा रहे हैं। कब से खोदे जा रहे हैं गड्ढे? हमें तो लगता है कि 2.5 साल से 2 साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा। हाँ, जिधर जिधर VIPs का आना होता है, खास करके योगी जी का या योगी जी के देश की सरकार के जो बड़े नुमाइंदे लोग हैं, उनका जिधर आना होता है उधर की उतनी बाई उतनी की सड़क को लेपन कर दिया जा रहा है, बाकी के जनता के लिए कोई सड़क बनाई नहीं जा रही है। गाँव की स्थिति वही है, वही स्थिति शहर की भी है। आप अभी माननीय योगी जी आए थे TG कॉलेज में, उनका कुछ कार्यक्रम था पार्टी का, तो उन्होंने क्या किया कि TG कॉलेज से लेकर के कुछ दूर की सड़कें बना दी गई, कचहरी से लेकर कुछ दूर की सड़कें बना दी गई, लेकिन वो जनता जब तक उसको उपयोग में लेना चाहती थी तब तक नहीं थी। जिस दिन नेताजी चाहते थे उस दिन रातों रात सड़क बना दी गई। ऐसा सिस्टम जो है, ये नेताओं को खुश करने वाला सिस्टम जो है, ये कब से चल रहा है जौनपुर में, पूर्वांचल में? ये इस बात को असाना जी, इस बात को इस तरह से बताइएगा कि मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। जी जी जी, नेताजी को खुश करने के लिए सड़क बनाना मुझे पता है कब से होता रहा है, इसलिए आप बताइए पहले। आप इस समय तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस समय पूरा जो है ब्यूरोक्रेसी हैक हो गई है डेमोक्रेसी के हाथ में, बात समझ में आई? तो ब्यूरोक्रेसी जब हैक है पूरी, तो वो जब चाहते हैं वो नेताजी के लिए सारी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन जनता के लिए आप देख लो ना, कितने दिन से कहाँ कहाँ गड्ढे खुदे हैं, किसको किसको असुविधा हो रही है, कहाँ से एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कहाँ से बच्चे अपने कोचिंग नहीं जा सकते। भोर में 5 बजे से बच्चे कोचिंग जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन भाई साहब सड़कों की ये स्थिति कि कब कौन सा बच्चा किस गड्ढे में गिर जाए, तो समझ लिए अगर उसके जेब में आधार कार्ड नहीं होगा तो अपने घर नहीं पहुंच सकता। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो कहा था वो भी बता दूं कि मैं लगभग लंबे समय से देख रहा हूँ। मुझे याद है मायावती बनारस में दौरे पर आती थी तो सड़क बनती थी, तो मुझे घटना याद है कि मायावती ने एक ठोकर मारा था
और सड़क का जो हिस्सा था वो टूट गया था उनके उनके पैर से लड़के मायावती के जाते उन्होंने सड़क भी धस गई थी कचहरी के पास। उन्होंने उन्होंने तुरंत जेई को बर्खास्त वगैरह कर दिया था। अखिलेश की सरकार थी उसमें भी यही होता था कि यहीं जा रहे हैं तो सड़क बन जा रही है और बार बार अखिलेश पे यह सब आवाज लगते थे कि भाई पूरा सड़क जो है सैफई इटावा में बनवा दिए और पूरे यूपी को कुछ नहीं दिए, ये सब भी कहा जाता था कि सड़क के। अब योगी सरकार है तो आप पर भी आपका भी कहना है कि उसमें भी यही हो रहा है कि जब आते हैं तब बनती है सड़क वरना पब्लिक यूज़ के लिए नहीं बनती है। पब्लिक यूज़ के लिए नहीं बनती, पब्लिक यूज़ के लिए नहीं बनती। दोस्त आप आगे जाइए, क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज, और मैं सर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी? जी सर। बहुत सारी लिस्ट होगी आपके पास एग्जाम्स की और जिसमें आप बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम नहीं हुए, किसके पर्चे लीक हुए, किसका रिजल्ट नहीं आया। पेपर तो सर सी टेट का, यूपी टेट का लीक हुआ, इसके पहले यूपीएसआई का भी लीक हुआ। हल्ला तो हो रहा है लेकिन कोई कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और सर यूपी ट्रिपल एससी में सर 2016 की वैकेंसी में फॉर्म भर के रखा हूँ कंबाइंड टेक्निकल सर्विस का, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। लेखपाल की वैकेंसी भी जैसे बिल्ली की खेड़ी हो गई है उस तरह से हो रहा है, 5 साल से आ ही नहीं रही है। मतलब जैसे कि कतने गाँव में बिल्ली की खेड़ी हो दिखाई नहीं देती है, मिलती नहीं, वो दुर्लभ चीज़ मानी जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे गर्भनाल का मतलब, हाँ हाँ जी 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 उसी अच्छा जी जी। हाँ? बिल्ली की खेड़ी, हाँ अच्छा गर्भनाल जो होती है ना, हाँ हाँ अच्छा जी जी। और सर अच्छा बिल्ली का खेड़ी हो गया, हाँ, आ ही नहीं रहा है मिले। लेक पे लेखपाल की वैकेंसी तब से आ रही है ऐसे ऐसे करके। और रेलवे का वो हाल है सर, पहले तो 2 साल पे ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी, हो जाता था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ है तब से ये लोग ना तो एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का पेपर ले लिए हैं और सर उसका CBT 2 भी नहीं हो रहा है। और सर बैंक का या BPS की वैकेंसी जो लड़के तैयारी करते, मैं तो नहीं करता, BPS की जो करते हैं उसमें वैकेंसी कम होते जा रही है, जो SSC करते हैं उसमें वैकेंसी कम होते जा रही हैं। कुल मिला जुला मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जो पढ़ा लिखा बच्चा हो वो एक नौकरी पा जाए ठीक ठाक कि हाँ मुझे रोज़गार मिल गया है, रोज़गार के लिए परेशान ना हो। और मतलब परीक्षा फार्म पढ़ते हैं, परीक्षा होते हैं, रिजल्ट आते हैं, सिलेक्शन होते थे, वो 5-6 साल 10 साल बीत जाते हैं सर। ये ना तो केंद्र सरकार देख पा रही है ना तो राज्य सरकार। अभी मैं फिलहाल देखा भी एक न्यूज पे आए थे, मतलब राज्यसभा में ही हमारे मंत्री जी ने, राज्य मंत्री ने बताया कि सेना में जो है 1,15,000 पद खाली हैं और सेना के अधिकारी के 9,000 कुछ पद खाली हैं। ऐसे मिला कर अभी जौनपुर के ही न्यूज में मैंने देखा था, जौनपुर के न्यूज में कृषि विभाग और कई तमाम विभाग थे, जौनपुर में केवल 6,500 पद खाली थे और मेन पृष्ठ पर यह दिया था कि 4.5 लाख 4.5 साल में भर्ती है, भर्ती ईमानदारी पूरी तरह से हो गया है। और उसमें यह भी दिया था पेपर में कि सरकारी कर्मचारियों की कमी की वजह से सरकारी जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं जैसे कि कुछ डाटा एनालिसिस किया जाता है या फिर सरकारी योजनाएँ कोई आती हैं उसकी वजह से फेल हो जाता है। जो काम 1 महीने में होना है वो काम 6 महीने में होता है। एक जनसंख्या है, उसको जनसंख्या के हिसाब से अगर सरकारी नौकरी अगर निश्चित कर दी जाए और निश्चित दायरे में किया जाए, निश्चित समय में किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम आरजव पंडित है। हाँ आरजव पंडित। आरजव क्या मतलब होता है? आरजव का मतलब इस शब्द थोड़ा सा मुझे मतलब ईमानदार होता है। आरजव मतलब ईमानदार होता है। क्या करते हैं आप आरजव? हम समाज सेवक हैं। अच्छा, बस रोजी रोटी के लिए ठेकेदारी करते हैं। समाज सेवक है, रोजी रोटी के लिए ठेकेदारी करते हैं। गुरु ये जैसा ना हल्के से करके बताए हो कि ठेकेदारी, अरे बस थोड़ा बहुत ठेकेदारी का काम है। भैया हम लोग बेरोजगार हैं, मिल जाता तो कर लेते हैं, नहीं मिलता तो बेरोजगारी जिस प्रकार से है आप देखिए, अगर जौनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में चाहे जो भी पार्टी आ जाए, सपा आ जाए, बसपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, हम लोग तब भी बेरोजगार थे, तब भी एक समझ लीजिए रोटी के लिए तड़प रहे थे, आज भी तड़प रहे हैं। पार्टी हम लोगों का भला नहीं कर रही है, पार्टी बस ये दिखा रही लॉलीपॉप लेके चटा रही है, देखा भैया ये बार हो सपा के वोट दे दिया, ये बार बसपा के वोट दे दिया, ये बार कांग्रेस वोट दे, ई कर दे वो कर दे, ओकरे बाद जीते के बाद भैया क्यों कुछ ना करता। हम वो यहीं कहे, आप यहीं कहें, आप हमसे ज़्यादा जानत हैं कि कुल का हो, तो बस ये है कि समझ लीजिए बेरोजगारी का मतलब कि आलम इस प्रकार से है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, चाहे जो भी पार्टी आ जाए, चाहे जहाँ भी केंद्र की आ जाए, इसमें आ जाए, अपने उत्तर प्रदेश में आ जाए, चाहे मैं यहाँ की अगर बात कर लूँ, विधायक सांसद की बात कर लूँ, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है यहाँ पर। यहाँ पे बस जनता समझ लीजिए एक वोट देने वाली मशीन है, यहाँ पर चुनाव आया तो वोट भैया देना है, रातों रात दारू बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, तुरंत वोट खरीद के अपना भैया लखनऊ बैठेंगे आराम से 5-स्टार होटल में, यहाँ क्या चल रहा किसी से कोई मतलब नहीं है। केहू पार्टी आ जाए हमें बदली नहीं, कुछ चलत रही हमने, कुछ नहीं बदली यहाँ, कुछ नहीं बदली यहाँ, यहाँ जब तक जनता ना जागरूक हुई कुछ नहीं बदली। क्या करेगी जनता की जागरूक होगी, क्या करेगी जनता के, देखा खुद को कोई शिक्षित होए कोई भैया, शिक्षित होए कोई भैया, बाकी जो ये सब जो कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए जाति आधार पर सब हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कभी आप देखिए जाति आधार पर कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, इन पर हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इससे क्या है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम लोग शिक्षा कहीं ना कहीं
को मतलब काट दे रहे हैं, समझ लीजिए एक तरफ से मतलब भुला दे रहे हैं कि आपको शिक्षा भी है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई जिस प्रकार से, चाहे जो भी इस समय पार्टी है भाजपा है चाहे सपा है, इस सबकी ये मतलब ऐसा गुटबाजी करके हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। नेताजी भी हम लोगों के बीच में, उदय भान मौर्य उनका नाम है, और सुनने में आ रहा है कि सदर से दावेदारी भी लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि टिकट हो सकता है मिलो जाए तो चुनाव भी लड़ू लेंगे आप ना। तो गुरु नेताजी वो बोल लो नेताजी, यार हमको लगता है तुम्हारे नेताजी इतने समझदार तो होंगे खुद ही बोल लेंगे हैं। तो उदय भान जी, जी भैया, सवाल उठ रहा है कि सपा बसपा भाजपा कोनो पार्टी रही, कोई कुछ ना कहला जौनपुर बदे जी, और सब लोग धर्म का नाम, सबे लोग धर्म का नाम लेत रहल, सबे लोग जाति धर्म का बात करत रहल, जौनपुर का लड़का लोग वो बिना रोजगार के रह गए, चाहे अखिलेश रहियाँ चाहे अखिलेश रहला चाहे योगी रहे योगी हैं जी। जहाँ तक रोजगार के मुद्दे की बात है तो रोजगार के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने बहुत उल्लेखनीय काम किया था। समाजवादी पार्टी की ही देन थी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, और वो आयोग शुरुआती दिनों में जब काम करने लगा तो यहाँ पर कोई भी लड़का हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, भारी संख्या में वैकेंसी वहाँ से आती थी। लेखपाल की वैकेंसी जो भरी गई वो भी पिछले 10 साल के बाद भरी गई, और सेक्रेटरी की वैकेंसी भरी गई वो भी 10 साल के बाद भरी गई, कोषागार में पद आए, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में पद आए थे जहाँ पर पिछले 15 सालों में कोई वैकेंसी नहीं भरी गई। जब ये सरकार आई सारे इंटरव्यू रोके गए, बाद में परीक्षा लेट 2.5 साल बाद परीक्षा इन्होंने कराने की कोशिश की, और उसके बाद हुआ कि हर जगह लीक हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, पता चल रहा है ट्रेजरी से पेपर लीक हुए, पता चल गया कि प्रेस ही बिक गया, यहाँ तक हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर मार्केट में बिकने लगे 25-50 हज़ारों में। तो ऐसा नहीं है, सरकारें हैं, सरकारों में अंतर होता है, सभी सरकारें एक जैसी नहीं है। और हम अगर विकास की बात करेंगे पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये जिस पुल पे हम खड़े हुए हैं ये सद्भावना पुल है और हर कोई जानता है ये पुल सबसे कम समय में बनकर रिकॉर्ड बनाया था, ये भी समाजवादी पार्टी सरकार की ही देन थी। समाजवादी आता, सुन ले, जी, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हुआ, काफी कुछ काम हुए, आज इन 5 सालों में उस मेडिकल कॉलेज मेडिकल आ रहे हैं आपके पास आएंगे आज, सुन लीजिए 5.5 साल हो गए इस सरकार में, उस मेडिकल कॉलेज की वही स्थिति है जहाँ तक निर्माण कार्य समाजवादी पार्टी ने किया था। इनको उद्घाटन की भूख लगी है, ये उद्घाटन पर उद्घाटन करते जाते हैं। आप बताइए जी, आपने मेडिकल कॉलेज का नाम ले लिया, और संयोग की बात है कि मैं मेडिकल कॉलेज से आज होकर आ रहा हूँ। साल 2014 में मेडिकल कॉलेज पास होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, 550 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। आपके पास तो कोविड का बहाना भी नहीं है सत्ताधारी पार्टी की तरह कि आप ये कह सकें 2 साल हमारा कोविड ने बर्बाद कर दिया। 2014 से शुरू हुआ प्रोजेक्ट, 2015-16-17 3 साल बीत गए, मेडिकल कॉलेज नहीं पूरा होता है। 17 के बाद सरकार आती है, सरकार चेंज होती है, सरकार उसका फिर से OFC करवाती है, फिर से GO लॉन्च होता है, और हाँ बजट फिर बजट आता है, और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए 5 करोड़ बजट आया था, ये बात जानकारी मुझे 17 तक मेडिकल कॉलेज के नाम, रोहित सिंह नाम है मेरा, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। 17 तक कल 5 करोड़ बजट आता है, 17 में जब ये OFC होता है तो फिर और बजट अलाट होता है, केवल जमीन खरीदा गया था, उसके बाद कोई एक ईटा रखा गया था। बात पूरी कर लूँ, इसमें आप भी अभी आप आपको भी जवाब देना पड़ेगा। वो कताई मिल वहाँ पे थी पहले, और 17 में सरकार चेंज होती है, 17 में सरकार चेंज होने के बाद वहाँ पे जो कताई मिल है उसकी बिल्डिंग जो है, जो मुझे सूचना मिलती है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ कताई मिल की बिल्डिंग गिराई जाती है जनवरी 2020 में। वहाँ पे निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया जनवरी 2020 के बाद अपनी स्पीड पकड़ती है। अब आप भाई साहब 2018 में सुरेश खन्ना जी थे नगर विकास मंत्री, वो आए थे, उनको मुख्यमंत्री जी ने भेजा था, हम भी साथ गए थे, तब मोटा मोटी पिलर खड़े हो चुके थे। गलत सूचना लोगों ने दिया आपको, 2018 में सुरेश खन्ना जी है, मेरे फेसबुक फोटो भी होगी, हम लोग साथ गए थे, पिलर खड़ा हो चुका था 2014 की परियोजना में, 2018 तक पिलर खड़ा हुआ, यही हासिल है सरकारों का। 17 तक 5 करोड़ बजट था, अखिलेश यादव जी हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे थे, 5 करोड़ बजट कर रहे थे, आप टोकन मनी से चाह रहे थे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, 3 साल आप थे, चाहते तो पिलर तब तक खड़ा हो गया होता, कुछ नहीं खड़ा हुआ था, कल बाउंड्री हुआ था,
17 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई है। चलिए हम कह रहे हैं सुनिए, हम कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही, हम कह रहे हैं सुनिए यादव जी, इसी मुकदमे में जेल गए हैं, नौकरियां बेची जा रही समाजवादी पार्टी सरकार में, क्या बात करेंगे आप? मेरी रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए सर, सर सर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए सर, एक मिनट चुप हो जाइए, बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तो इन्होंने बताया कि पिलर खड़ा हुआ जरा 18 तक देखिए, हमने खड़ा किया, प्लीज सुन लीजिए, आपने पिलर खड़ा किया चाहे आपने पट्टियाँ रख दी, मेरा मुद्दा है कि भाई जो भी आया ना वो इस प्रदेश की सरकार थी, जो भी पैसा लगा इस प्रदेश के नागरिकों का टैक्स था, टैक्स बिल्कुल। अब तीन साल पर आप जवाब दिए, तीन साल के बादल पे ये जवाब देंगे, हमें पहले तीन साल का जवाब सुन लीजिए, हमें फिर आप अपना संघ लोक सेवा आयोग सब बताइएगा। हाँ नहीं, हमें भाई साहब बताने का प्रयास करें कि आज की क्या स्थिति हुई, उद्घाटन की नौबत आई, क्या कोई पेशेंट वहाँ देखा गया, आप गए थे क्या, कोई पेशेंट वहाँ देखे गए? 100 लड़कों का इनरोलमेंट हुआ, अगर वो दो साल चाक और डस्टर का खेल नहीं खेलेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, वो कौन से MBBS MD बनेंगे हमारे देश के लिए? अगर दो साल शून्य पे रहेंगे क्या करेंगे? आखिर उद्घाटन की नौबत क्या आई, ये अभी कहेंगे भाई साहब, कहेंगे मेट्रो का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उद्घाटन का अधिकार किसने इनको दे दिया था? आप बताइए, पूरा मेट्रो का निर्माण समाजवादी पार्टी ने सरकार ने किया था, आप एक लेटर भेज के पूर्व मुख्यमंत्री जी को बुला लिए, नहीं बताइए, हम जा रहे हैं, बिल्कुल जाना है, ये चाहते हैं। अच्छा पहले इनको सुन लीजिए, पहले इनको सुनिए उदय जी पहले इनको सुन लेते हैं, फिर आपको, चलिए अब मैं आपको 2 मिनट देने वाला हूँ, आप अपनी पूरी बात कह लीजिए, उसके बाद आपको चुप होना पड़ेगा, वरना मैं आपसे माफ़ी मांग लूंगा और कहूंगा कि सर आप चले जाएं, क्योंकि आपको बोलना है तो आपको सुनना भी है, मैं यहाँ तो शोर सुनने नहीं आया हूँ सर, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, पहले आप अपनी बात कह लीजिए। इन्होंने जो बोला मैं उस पर कह रहा हूँ, कुछ रहेगा युवाओं के बेरोजगारी पे, बातें सुनिए, तुम देर में आए। OPD मेडिकल कॉलेज का 7 महीने से जिला अस्पताल के प्रथम तल पर चल रहा है, OPD चल रहा है, NEET का काउंसलिंग हो गया है, अलॉटमेंट होगा, वहाँ पर क्लास तैयार हो चुके हैं, क्लास कर, हम बोल रहे बात बोल रहे हैं, क्या नहीं हुआ, आप यहाँ खड़े हैं, आप किस तरफ चले, मुसलमान बस्ती, उस तरफ चले निषाद बस्ती है, उस तरफ चले निषाद बस्ती है, आपको कम से कम 200 मकान प्रधानमंत्री आवास से बने हुए मिलेंगे, ये हुआ है योगी सरकार में। और मैं बता रहा हूँ, आज सुबह पाए होते तो मैं आपको राशन दुकान पर ले गया होता, गरीब आदमी को 1 किलो नमक, 1 किलो रिफाइन, 1 किलो चना और वजन मिल रहा है, ये हुआ योगी सरकार में। बात सुनिए, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ 5 बजे के बाद अंधेरा होता था, 24 घंटे लाइट है, ये हुआ योगी सरकार में, ये हुआ योगी सरकार में, आप जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं 5 बजे के बाद अंधेरा होता था, आज 24 घंटा बिजली है, ये हुआ योगी सरकार में। और सुनिए, आज के बाद 5 वर्षों के पहले देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जो युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और उत्तर प्रदेश के लिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज, और अब बताइए जी, पुष्पेंद्र निषाद, क्या करते पुष्पेंद्र? पढ़ाई LLB TD कॉलेज। LLB कहाँ से? जी TD कॉलेज, यहीं। अच्छा, ठीक ठाक कॉलेज है जी, पढ़ाई अच्छी होती है जी, पढ़ाई अच्छी। LLB करके वकालत करोगे, नेतागिरी क्या करना है? दोनों। अच्छा, मतलब ये होता है ना कि LLB करके या तो वकालत करना है तो नेतागिरी, जो अब युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे बेरोजगारी ऐसे बढ़ती रहेगी। अच्छा, आप दिन में आए होते तो मैं आपको इधर कम से कम 100-200 मकान निकालता, प्रधानमंत्री आवाज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कुछ बोलने चाहते हैं। हाँ बोलिए प्लीज, क्या नाम है आपका? हमारे चंद्रावती। क्या करती चंद्रावती जी आप? घर पे रहती हैं। घर पे रहती हैं जी, बताइए। तो हमारा लड़का एक किला पर गेट अथवा बोर्ड लगावत रहा। कब का बात हुई? साल भर हुआ। क्या करत रहा लड़की लड़का? बोर्ड लगावत रहा। बोर्ड लगावत रहा ही वाला? हाँ, किला पे। किला पे? हाँ। अच्छा, तो वो लाइट मारे किला पे, गेट पे गिरा, उसका पेट में इतना भाला धस गया, वो खत्म हो गया, मतलब कुछ समय योजना नहीं मिला। कितना उम्र था लड़का के? 22 साल। 22 साल। का नाम था लड़का का? रोहित। रोहित, इस सरकार में कुछ सुनवाई हुई कि नहीं हुई?
यार आप कितने इनसेंसिटिव इंसान है। एक ये एक महिला है जो बता रही है एक साल पहले उनका बेटा खत्म हो गया, आप उससे पूछ रहे हैं कि एक साल सरकार में सुनवाई होगी? नहीं नहीं नहीं, ये काम आपका नहीं है सर। हाँ आप बता रही हैं कि बेटा का नाम रोहित था 22 साल का, तो उसको वो गिर गया किले पे बोर्ड लगा रहा था जौनपुर किले पे और पेट में भाला घुसा, उनकी मौत हो गई। रेलिंग में भाला घुस गया था, रेलिंग पे नहीं ये किला वाले गेट। मैं समझ गया, मैं समझ गया। और आप कह रही हैं कि मुआवजा नहीं मिला? हाँ मुआवजा नहीं मिला। आप तो अच्छा कहाँ रहती हैं आप? आप जोगियापुर पीपर के पेड़ के लगे। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब है 1 किलोमीटर लगभग। गांव में ग्राम सभा है कि पंचायत? नहीं शहर में, सॉरी नगर पालिका है। हमारे 4 ठे लड़के हैं। आपके पार्षद कौन है? पार्षद कौन है वहाँ पे? माया टंडन जी है। माया टंडन जी है इस समय? हाँ माया टंडन जी को कौन जानता है? नगरपालिका की चेयरमैन। तो यहाँ पे माया टंडन जी को पर्सनली कौन जानता है? सभी लोग जानते हैं ना भाई, जानते हैं, जानते होंगे ना आप लोग? जानते हैं, हम जानते हैं। साथ दौड़ाए बाकी कुछ किए नहीं, सब दौड़ाए हमको। हमारा लड़का था रोहित, यहाँ बच्चा भैया है उन्हें बोर्ड लगा रहा था, सब तो हमको दौड़ाए, मंत्री आए संत आए, कहीं हमको सुनवाई नहीं हुआ, उम्मीद दिए नहीं। हमारा मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपकी समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है? आपका यहाँ पे सभासद कौन, क्या क्या नाम था? सभासद पिंटू। पिंटू है सभासद? हाँ पिंटू। कौन पार्टी के हैं? भाजपा के हैं, उन्हें काम ही कर रहा था। अच्छा उनका काम कर रहे थे। हाँ। और चेयरमैन कौन है? माया टंडन की वाइफ है। हाँ माया टंडन देखिए लगा, ये लोग खुश है कि नहीं हमारा मदद किए, दौड़ाए हमको। अशोक मौर्य जिला में? हाँ बच्चा भैया अशोक मौर्य की भी मौत हो गई। हाँ इनकी भी कोरोना में डेथ हो गई है। ये एक साल पहले घटना है। बच्चा भैया जो भाजपा से जुड़े लोग कौन है यहाँ पे? ये है भाई साहब लोग हैं, बोल रहे थे। अच्छा भैया सुनिए सुनिए। हाँ सर एक मिनट बात है, मैंने उनको बुलाइए, मैं ये इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। बच्चा भैया नहीं आ रहे हैं? बच्चा भैया यहाँ भैया इधर आइए, भाई साहब याद किए। आप भाजपा से जुड़े हैं और ये जरूरी चीज है, इसलिए क्योंकि इस पे आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ये किसी पार्टी लाइन की बात नहीं है, इनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, 22 साल का बेटा था एक साल पहले। सुधांशु जी ने किया था उसमें पैर में। अच्छा इनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है ये बता रही है, कुछ हुआ नहीं है? मैं ये इस पर बहस नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर इनका काम कहीं अटका हुआ तो वो करवा दीजिए आप लोग बातचीत करके। ये बातचीत कैमरे पे हो रही है तो पीछे भी नहीं सकते हैं, हमारी सहानुभूति है। ठीक है अब देखिए आप इनका नंबर ले लीजिए, अपना नंबर इनको कार्ड वार्ड दे दीजिए कुछ इनको, और इनका काम आप करवा दीजिए। ये आपकी पार्टी लाइन से आपकी पार्टी के झगड़े से अलग है। नहीं 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 समाज का ये सब कुछ से अलग है। ठीक है परिवार को सहारा मिलना चाहिए। सुधांशु भाई, सुधांशु जी सक्रिय हैं। ठीक है तो कागजों का दे दिए जो नहीं, इनका नंबर ले लीजिए, आप नंबर दे दीजिए अपना। हाँ हाँ ये संवेदना की चीज है, कागज लेके दौड़ाए हमको। ये लगे थे हमें मालूम था। नहीं ठीक है ठीक है, आपका अब ये नंबर ले लीजिए, इस पे बात कर लीजिएगा इनसे। ठीक है और हमारे साथी आयुष कहाँ है? आयुष मेरी गाड़ी है वहाँ पे, सुन लीजिए भाई एक सेकंड, मेरी गाड़ी है वहाँ पे नीले रंग की। अच्छा वहाँ पे आप मेरे एक साथी हैं आयुष। अच्छा आप उनको अपना नंबर दे दीजिएगा और उनका भी नंबर ले लीजिएगा। ठीक है हम आपसे पूछ लेंगे कल भी क्या हुआ कि नहीं। ठीक है ठीक है आप निश्चिंत रहिए, मैं इसमें मदद कर जितनी कोशिश होगी उतना करूंगा सर। नहीं नहीं हम वही तो कह रहे हैं, मैंने तो सीधे सीधे बात करवा दी नेता लोगों से आपकी। ठीक है कि आपकी मदद हो जाए। ठीक है मुझे जितना हुआ उसका दुख है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद हो जाए। घर नहीं गए थे सर, आप कोई घर नहीं तब तक गए थे। इतना हादसा भला हमारे कोई घर नहीं गए, कहीं कहीं देंगे देंगे कुछ नहीं हुआ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूधे बेटी है। वो मंत्री सब तो हमको दौड़ाए, बड़ा इशू हमारा। हाँ हाँ सर बहुत गए, एक महीना हम काम नहीं के सब तो दौड़ाए लोग, कुछ किए नहीं। रोहित जी आप लोग थोड़ा सा मदद, नहीं नहीं सर प्लीज उसको देखिए, कारीगर में नहीं है, बहुत अथवा है, बहुत दुख है। ये मैंने इनसे कह दिया, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूरे टच में रहूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है हमारा घर बनारस में है, हम बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है सर, क्या नाम है सर आपका? राम सागर। राम सागर जी आपका? दुर्गावती। चंद्रावती। ठीक है राम सागर जी। हाँ जी बताइए सर क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाहते हूँ, मैं अशोक कुमार यादव एडवोकेट अधिवक्ता की बात कर रहा हूँ। ये
नरेंद्र मोदी और योगी नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री। आप लोगों को अगर निकलना है तो चाहे तो निकल सकते हैं इधर से, इधर इधर। हाँ हाँ, वो अब सारा हो गया, बात कर लीजिए। वही गाड़ी के पास, नीली गाड़ी के पास चले जाइए, वही खड़ी हो, चलो नीली गाड़ी पास। वहाँ पे आप आयुष जी होंगे, उनको अपना नंबर दे दीजिए बस। हाँ, हम यही करना चाहते हैं कि इसको ये हमारे बात नहीं, अखिलेश मेरी बात सुन लीजिए, सहानुभूति की बात नहीं है, ये बात पार्टी से अलग थी। किसी का बेटा खोया है तो मैं इस पर बहस नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस पे इसको बहस में उठाएंगे तो मैं बहस बंद कर चला जाऊंगा। माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में आ रहे हैं, बस हम ये चाहते हैं, यही बोलने के लिए इतना दूर से बुला रहे थे हमको। अरे यार, ठीक है ठीक है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, क्या हुआ, क्या नाम है, आइए आइए। कोई जीडीपी की बात किया है, आ जा। अरे आ जा, जीडीपी की बात हुई है आज। हाँ, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ अनुभव सिंह। सिद्धार्थ, यस सर। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कहाँ से? अभी मैं एमटेक चल रहा हूँ, आईटी गुवाहाटी से। हाँ, अरे यार आयुष कहो, आयुष है आपके एलुमनाई है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं हमारे साथी। यस सर। और आईआईटी से बीटेक किए हुए हैं वो। अरे आईटी गुवाहाटी वाले आए हैं आयुष, ये एमटेक कर रहे हैं, तुम्हारे सीनियर हैं, एमटेक कर रहे हैं वहाँ से। अरे कैसे हैं? वो दीदी गई, उनका नंबर ले लो, चंद्रावती और राम सागर जी हैं। हाँ हाँ, सबसे बात करेंगे दोस्त, सबसे बात करेंगे। नेताजी भी वोट मांगने जाएंगे, नेताजी को ये सवाल सुनना पड़ेगा, नेताजी का होमवर्क भी हो रहा है। हाँ हाँ जी, सिद्धार्थ बताइए, क्या बोल रहे थे आप पीछे से? कुछ जीडीपी और एफडीआई बोले, हम सुन लिए, जो ये बुला लें आगे। सर मैं बात वही कर रहा हूँ, कोरोना में मतलब जीडीपी वगैरह डाउन हुई है, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया की डाउन हुई है। आप यूएस से लेके, कनाडा से लेके, फ्रांस से लेके, पूरा यूरोपियन यूनियन तक देख लीजिए, सबकी जीडीपी डाउन हुई है। और प्लस बात जो हो रही है कि पॉजिटिव जीडीपी जाने की, वो तो बेस ईयर छोटा है तो पॉजिटिव जीडीपी जाएगी। लेकिन बात ये है कि बात मतलब अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कौन से एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है कि आपका मतलब डिफेंस कॉरिडोर बनी रहा है, कौन से एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये हमको ये बता दिया जाता है। तुम्हारी बात तो जीडीपी की है, तो उसको लेके हम एक दो बातें कहेंगे गुरु। जीडीपी गिरना कोविड के समय ना बहुत ऐसा था कि लगभग कोई नहीं बचा पाया, कुछ ही कंट्री थी दुनिया भर में जिसकी कुछ ही कंट्री की जीडीपी पॉजिटिव में थी। लेकिन यार पता है जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के समय लोगों की नौकरियां न जाएं इसके लिए उन्होंने कंपनियों को पैसा दिया, कंपनियों को लोन नहीं दिया, सुन लो गुरु, कंपनियों को लोन नहीं दिया, बड़े कंपनियों को पैसा दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ 10 कर्मचारी काम करते हैं, 10 कर्मचारियों को तुम 10,000 रुपए देते हो, सुन लो गुरु, और अगर तुम 10 कर्मचारियों पर 1,00,000 खर्च कर रहे हो तो सरकार ने बोला कि लॉकडाउन है, काम बंद है, 1,00,000 रुपया हमसे लो, तुम कर्मचारियों की सैलरी नहीं बंद होनी चाहिए, ठीक है। जीडीपी गिरी, लोगों के हाथ में पैसा रहा, बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की बात है। इंडिया में ये नहीं होता है, इस बात में इस इकोनॉमिक पॉलिसी पे। इंडिया की पॉपुलेशन, एक सेकंड, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, अगर ये कंपनियों को पहले पैसा दे कि गरीबों को फ्री अनाज दे, अभी जब आत्मनिर्भर भारत आया तो उसमें 20,00,000 करोड़ रुपए की मतलब पूरा मिला के मतलब बैंकों को और फ्री अनाज में और जितनी चीजें थे भाई, वो बैंकों के ऊपर लोड ज्यादा आया है उसमें। वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो बैंक लोन बांट रहा तो उनको पैसा कहाँ दे रहा है? आरबीआई ही तो दे रहा है, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट घटा के बैंकों को पैसा दे रहा है, तो बैंक उसको नीचे लोन में घुमाएगा, अगर नहीं घुमाएगा तो पूरी इकोनॉमी क्रिपल कर जाएगी, कहाँ चलेगी? जहाँ अमेरिका हुआ है वो अगर वो आप डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं कि कंपनियों को पुश अप कर दे रहे हैं, पैसे दे दे रहे हैं तो चल जा रही है, इंडिया में गरीबों को भी। अच्छा ठीक है, तुम बैंकों की बात कर रहे हो, बैंकों में को लोन दिया जाए और बैंकों से लोन दिया जाए और फिर वही बैंकों का निजीकरण कर दिया जाता है, ये कौन सी सही बात है यार? तीन चार दिन से तो धरने पे लगातार बैठे हैं, अरे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है ये बताइए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? और दूसरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, जनरल लोगों को सबसे लास्ट में जो है स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इस बार क्या हो रहा है, ओबीसी को जो है स्कॉलरशिप मिल ही नहीं रही, एससी को मिल ही नहीं रही, सबसे पहली बात, जब सबसे पहले जो है जनरल को चली जा रही है, बताइए ये कहां से सही है? और दूसरी बात ये, एक बात बताइए, किसानों के अभी किसान बिल के मामले में अच्छाई बताई जा रही थी, पहले थूके उसके बाद सुनिए मेरी बात, 700 किसान जब मर गए, अब आके गंगा में पाप धो रहे हैं, नहा धो रहे हैं, उसके बाद इसमें क्या मामला है, इसके लिए कोई जवाब है? योगी सरकार कह रही है कि हम बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, अभी 2-4 दिन पहले ये सुन लीजिए, राजनाथ सिंह आए यहां पे तो जो है तुरंत अलकतरे का पत्ती जो है तुरंत लटा दिए, उसके पहले पाउडर धूल, आम आदमी इतना परेशान है, आप देख लीजिए आजमगढ़ वाला रोड देख लीजिए, धूल से परेशान है, नाली नहीं है, और
कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास खाली ये अपना कर रहे हैं, राजनीति अब खाली मुद्दा बन गई है, राज करने की नीति इन लोगों की बन गई है, राजनीति यही हो गई है इन लोगों की, और कुछ है वो नहीं। दो करोड़ रोजगार पे आप क्या कहेंगे? अभी भैया ने कहा कि आवास योजना हमारी बहुत सफल है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए आवंटित किए जाते हैं, 1,20,000 सुनिए, शहर में 2.5 लाख, गांवों में 1,20,000, मैं बता रहा हूं। और समाजवादी लोहिया आवास जो थे उस समय 3,30,000 रुपए थे, आज महंगाई बढ़ी हुई है, फिर मैं बता रहा हूं भैया सुनिए, आज आवास योजना की स्थिति ये है कि पैसे घटे क्यों, आज सस्ताई है, आज महंगाई है। दूसरी बात, भाई साहब ने जो कहा पीओ डूडा की जाँच चल रही है, सीआरओ ने जांच आख्या में लगाया है कि 10,00,000 रुपए का घोटाला इन्होंने किया है, 20,000 रुपए प्रति आवास यहां से वसूले गए हैं, पूरे जौनपुर जिले का जो धनराशि आवंटित की गई 1,100 करोड़ रुपए, उसमें से 1,100 करोड़ रुपए में से, भैया शांत हो जाओ, 1,100 करोड़ रुपए में से, भैया 1,100 करोड़ रुपए में से 530 करोड़ रुपए नमामि गंगे परियोजना और अमृत योजना के तहत जो एसटीपी का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, उस पर खर्च किया गया है, और वो कार्यक्रम विधान परिषद की स्थायी समिति में यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। डीएम जौनपुर को जांच की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया, डीएम जौनपुर ने एडीएम की अध्यक्षता में एक समिति बैठाई गई है, वहाँ से बार बार लखनऊ से रिपोर्ट मांगी जा रही है, डीएम जौनपुर रिपोर्ट देने में सफल नहीं है, 1 दिसंबर को पुनः बैठी हुई, पिनों इनको फटकार लगाई गई है। इन्होंने जब प्रबंध निदेशक जल निगम को फ़ोन करके साक्ष्य मांगे तो उन्होंने साक्ष्य देने से इनकार कर दिया। बताइए, जब बजट का एक बड़ा हिस्सा जौनपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है तो विकास कैसे होगा? आपसे एक सवाल है मेरा, जैसे लल्लन टॉप को हम बहुत फॉलो करते हैं, जो आप लोग जो वीडियोस रखते हैं, किसी भी पार्टी का मत पहले ये नहीं समझ के चलते कि भाजपा का आप समर्थक हैं किसके समर्थक हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि आप एक न्यूट्रल मीडिया की तरह पोर्ट्रे आप लोग करते हैं अपने आप को। लेकिन आशुतोष पांडे, मैं BHU का छात्र हूँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गोदी जैसे कि जो मीडिया का नाम आजकल इस समय चल रहा है गोदी मीडिया कहा जा रहा है, तो आप लोग उससे परे हैं जितना मैं आपको फॉलो करता हूँ। जैसा मैं मुझे लगता है, तुम नहीं कोई आरोप नहीं, क्वेश्चन है मेरा, एक जेन्युइन क्वेश्चन है सर, निष्पक्ष अगर हम कहें तो। लेकिन अगर जिस तरह से आज का देखा जाए मीडिया को, तो जैसे वॉशिंगटन पोस्ट को देखा जाए और इन सब को देखा जाए, तो इंडिपेंडेंट हैं वो लोग, तो अच्छे से प्रचार करते हैं, तो ये जो गोदी मीडिया की प्रॉब्लम है, इसको आपके नज़र में किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, कि जिस तरह से कि एक ही पार्टी को पूरा प्रारूप दे देना, जैसे जो रूलिंग पार्टी है उसी को पूरी तरह से दिखा देना, पॉलिटिकल बायस जो होता है, पता नहीं, पता नहीं मुझे। देखो मैं, देखो एक मैं पत्रकार हूँ, ठीक है, मैं पत्रकार हूँ, जेरी पत्रकार है, आयुष पत्रकार है, सौरभ द्विवेदी पत्रकार है, दूसरे लोग सब लोग पत्रकार हैं। ठीक कैसे किया गया है पता है, हमारे पास थोड़े मजबूत नियम होने चाहिए, हमें अच्छे संपादक चाहिए संस्थानों में, संपादक बने अच्छे संपादक, और हमें अच्छे पत्रकारों को चाहिए कि पत्रकार सच को परखें, पत्रकार शाम को प्राइम टाइम पे अगर बैठ रहे हैं तो बैठें, वो उनकी मर्ज़ी, पत्रकार सवाल सुने, पत्रकार सवाल करें, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। साथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस देश में, जिसको मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे, मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर आयोजित करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्हें करना भी चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें, उसमें लोग आए, पत्रकार आए, उनसे सवाल पूछें, मेरे पास सवाल हैं, मेरे से ऐसे कई सारे पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड पर हैं, उनके पास सवाल हैं। इस देश में कई सारे कानून बने जिन पर विरोध हुए, CA NRC से लेकर कृषि कानून तक, सभी अभी ठंडे बस्ते में दिखते हैं, कृषि कानून वापस ही ले लिए गए, ठीक है, CA NRC की कहीं सुनगुन दिखाई भी नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इथिक्स की बात होनी चाहिए, सब कुछ की बात, अगर आप एक होलिस्टिक पिक्चर जो होती है जिसमें आप जो जवाब दे उसकी भी जवाबदेही तय करें, और आप सवाल पूछने के लिए आप उतने वो भी हों, मजबूत भी हों, कि आपसे सवाल करें और सवालों का खुद भी सामना करें। पत्रकार को इनविंसिबल तो है नहीं, पत्रकार को खुद को ऐसा अमर समझना नहीं चाहिए, उसको सब उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, पत्रकार से भी, है ना, और पत्रकार को भी सवाल पूछने देना चाहिए। हम चाहते हैं कि यार ऐसा इको सिस्टम बने कि हम सब लोग काम कर सकें, ठीक है। कहाँ गए वो भाजपा वाले यार,
चले जाएंगे, बोर हो गए सवालों से, चले जाएंगे। स्टूडेंट की बात करें तो हाँ, क्या नाम है आपका जी? रंगनाथ द्विवेदी है। क्या करते रंगनाथ जी? दरअसल मैं अध्यापन के साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए व्यंग लिखता हूँ। मतलब टेक्स्ट में लिखते हैं कि पोएट्री में लिखते हैं? नहीं नहीं, व्यंग जो लेख होता है राजनीति, हाँ राजनीतिक लेख या व्यंग लेख, कवर स्टोरी मैगजीनों के लिए लिखते हैं। और सौभाग्य से मैं समझता हूँ चुनाव का सीजन चल रहा है, इसलिए इस समय नेताओं का फागुन है, कुछ भी कह दें क्षमा किया जा सकता है। नेताओं को कुछ भी कह दें क्षमा किया जा सकता है। इस समय लोकतंत्र में बड़ी स्वादिष्ट कौम होती है नेताओं की। ये हम आप 5 साल भूले रहते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, लेकिन 2 महीने का हिंदू 2 महीने का मुसलमान ये आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इसका ईंधन इनके पास पर्याप्त है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, सद्भावना की पुल से मैं बोल रहा हूँ, और पूरे प्रदेश में इस समय चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरे के प्रति सद्भावना की है। अगर सद्भावना जिंदा रहेगी तो तमाम लोकतंत्र बचा रहेगा, हम बचे रहेंगे, आप बचे रहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ, ये चुनावी सीजन है, ये मुस्लिम बस्तियों में अल्लाह और हिंदू बस्तियों में राम कहेंगे, ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है। और सच बात ये बताएं, ये कभी कभी करते क्या हैं, दरअसल नेताओं के चक्कर में कभी कभी बेजुबान जानवर इनकी चपेट में आ जाते हैं। कहा जाता है ये गिरगिट से तेज रंग बदलते हैं, जबकि गिरगिट बेचारा एकदम बेजुबान है। लेकिन नेताओं का चरित्र, नेता प्रकट नहीं होते इस देश में, नेता एक एक्सीडेंट है और मतदाता उससे बड़ा एक्सीडेंट है। भगवान जी बड़ा सीरियसली सुन रहे हैं आपको। नहीं नहीं, उसका देखिए देखिए, एक प्रत्याशी होना, देखिए आज के लोकतंत्र में प्रत्याशी होना कलयुग के पृथ्वीराज चौहान होने के बराबर है। अच्छा, हाँ ये समझ लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध है, 2 महीने इनको लड़ना है। कौन और संग जो 4 साल 5 साल कलेजा काटते हैं, अचानक 2 महीने ये फीता काटने लगते हैं, हकारी भी करने। अरे सुन, मैं बता रहा हूँ अपनी देखी स्थिति। गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा था तो 10-15 महिलाएं खड़ी थी, जो प्रधान पद का प्रत्याशी था, महिलाओं के पैर धरने के चक्कर में अपनी पत्नी का भी पैर छू लिया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब आप प्रधान हो गए। मैं वहीं भाभी लगती थी, मैंने कहा ये विधायक हो गए। अब जिसकी गुणवत्ता विषय में आप बिगहे में है, और सही पूछिए ना, जो जितनी डिग्री सेल्सियस पे लहा के मुस्कुरा ले जाए, जो बढ़िया से, दरअसल नेता 2 ही सेंटीमीटर मुस्कुराता है, और 5 साल में ये अपने बाप का उतनी ईमानदारी से पैर नहीं छूता जितना चुनाव के समय प्रत्याशी का छूता। अब बेरोजगारी सही पूछिए, जिस दिन हमें आपको लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में मतदान करना आ गया, ये सारे सवाल मर जाएंगे। कौन बेरोजगार आप बताइए, काम नहीं होता, जनता वोट चुनता कौन है, चुनता कौन है? जब हम यादव हो जाएंगे, आप पंडित हो जाएंगे, वो हरिजन हो जाएंगे, मतदाता तो होते नहीं जी। यार मतदाता हो ना, EVM क्या है, एक होता है काम, हम आप होते हैं। EVM कभी खराब नहीं होता, मतदाता का चरित्र खराब होता है। मतदाता जिस दिन सुधर जाए ना, ये जितने लोग हैं धोती छोड़ दिए कुर्ता छोड़ दिए, जिनके पास कोई कुछ बचा नहीं है वही नेता है। नेता का मतलब है, एक समझ लीजिए तलाक देने के बाद 15 मिनट के बाद ये बफर सिस्टम शादी कर सकते हैं, ये नेताओं का पार्टी कर लिए। हाँ, इसलिए नेता कहने का व्याकरण सम्मत गाली है, किसी को नेता कहना व्याकरण सम्मत गाली है, सम्मत गाली है। इनको डायरेक्ट गाली आने से अच्छा है कि नेता कह दीजिए, उसमें सब कुछ है। जैसे भाई साहब, यार हमको मैं इनको नेताजी कह के बुला रहा था, आप कह रहे थे ना भैया, एकदम सही बात कहा था, समाजवादी है भैया। भैया नेता देखिए, नेता पार्टी का नहीं होता, नहीं नेता पार्टी का नहीं होता भाई। भाई साहब देखिए, नेता इच्छाधारी नाग है, नेता इच्छाधारी नाग है, इसकी मरी नेता इच्छाधारी नाग है। भगवान करे कि इनको इच्छाधारी नागिन मिल जाए कुर्सी रूपी। आप समझ लीजिए, नेता का दुर्भाग्य जो अपनी शादी में कायदे से माला नहीं पहन पाता, वो चुनाव में इतना माला पहन लेता है कि उसकी पत्नी कंफ्यूज हो जाती है। ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने माल्यार्पण किया था,
ये स्वयंवर विवाह से चलते हैं, राक्षस विवाह तक आ जाते हैं। जयमाल का स्टेज भी उचक जाएंगे। आप रोजगार रोजगार देखिए भाई साहब, सच्चाई ये है, सरकारें कोई भी आ रही हैं जा रही हैं, रोजगार की हालत मैं किसी सरकार में बहुत बेहतर नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ बताइए, रोजगार बताइए क्या स्थिति है। देखिए रोजगार सब ने लिफाफेबाजी की है, किसी भी सरकार ने केवल लिफाफेबाजी की है, चाहे सपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। जब 1.5 रुपये किलो अनाज खा के और एमडीएम की खिचड़ी खा के देश का काम चल रहा हो तो कोई करोड़ों क्यों इन्वेस्ट करेगा? सही बात है। क्यों इन्वेस्ट करेगा? एक काम कर में बीटेक पढ़ा हुआ लड़का 4,000 पा रहा है, वहीं फरसा मजदूरी करके 500 शाम को ले आ रहा है, क्या गुणवत्ता रह गई? अंतर तो होना चाहिए ना। शोषण है। देखिए शारीरिक मानसिक आर्थिक सब शोषण है। केवल एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमने देखा है 10 सालों में, लड़कों ने मोछ और दाढ़ी छिलाना अच्छे से सीख लिया है, अच्छे से केवल सेविंग करवाएंगे, 5 लाख बाप का अपना डाल देंगे घर की उर्द जंगल में, इसके बाद लौटेंगे दाढ़ी मोछ छुला के बाप कपार पकड़ के बैठा है, 5 लाख में मिला क्या बैठे की मोछ गायब। चलिए हाँ जी, हाँ गुरु इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अतुल। क्या करते हो अतुल जी? छात्र हैं, LLB वर्तमान में कर रहे हैं, 3rd ईयर है। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि आप योग्य अभ्यर्थी ढूंढ रहे हैं, आपके अधिकारी योग्य कब होंगे? जो टेट की परीक्षा चलती हुई परीक्षा ले लिया जाता है, पेपर लीक पेपर क्यों होता है? समस्या खत्म नहीं हो रही है, समस्या क्या है उसको खत्म किया जाए, ये मुख्य है। और बेरोजगार जनवरी 2019 से शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं हो पा रही है, और आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है? और हर लगातार बीएड और बीटीसी आप कराए जा रहे हैं, अगर आपको भर्ती नहीं देनी है तो क्यों करा रहे हैं? बेरोजगारी की फौज खड़ी कर रहे हैं। अगर तो कहते हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए, ऐसे कहते हैं। एक को पद सृजित नहीं किए हैं। शिक्षा विभाग में एक भी पद सृजित नहीं किए हैं। अरे क्या पकौड़ा बेचने में दिए हैं? शिक्षा विभाग में एक पद भी सृजित नहीं किए हैं, बस कागज पे भ्रष्टाचार और भैया खाली टीवी पे इनका विकास कार खाली टीवी पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए, जितना महंगाई आप देख लीजिए, आप लोग खुद इतने लोग खड़े हैं, महंगाई कौन किया? चाहे जितने दिन सरकार किसी की चली हो, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जितना आज। और बेरोजगारी सुनिए, आप लोग पत्रकार खुद उनसे पूछे जो अगले चुनाव में बोल के आए थे, क्या 2 लाख हर साल रोजगार देने के लिए कहे थे कि नहीं 2 करोड़? और सुनिए 2 करोड़ देने के लिए कहाँ गया रोजगार? और सुनिए आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए, जो हम लोगों से आप कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ हैं सब बेचारे इतने पैसा लगा करके गार्जियन पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर नौकरी मिलती इनको एड देना चाहिए डिग्री कॉलेज को, इंटर कॉलेज को, ताकि लोग सरकारी नौकरी पाएँ। और सुनिए ये ख़त्म कर रहे हैं सब चीज़, जब ख़त्म कर रहे हैं निजीकरण कर रहे हैं, तो अपना तो मान लीजिए चाय बेच रहे थे, अपना घंटा हिला रहे थे, तो सब लोग घंटा हिलाने से काम चलेगा क्या? सब लोग मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सब बात नहीं करिए। भाई साहब जितना यार ये सब यार एक भाई साहब सुनिए, एक सेकंड, आपके जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भाई साहब सुनिए, मैं भी बहुजन समाज पार्टी से हूँ, ऐसा है। बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम के विश्वकर्मा है। मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता हूँ। मैंने बहुजन समाज पार्टी में जितनी बढ़िया स्वच्छ और छवि गुंडा और माफिया, जो आज माननीय योगी जी कह रहे हैं कि गुंडा माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, या तो ये गुंडा माफिया प्रदेश छोड़ के चले जाते थे या तो जेल में होते थे बांजी के शासनकाल में। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही सिखाया था जो है
कि पहले शिक्षित बनो। बसपा के मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पे लड़ा था, ठीक है, बसपा के टिकट पे उन्होंने लड़ा था, जो है वो भी एक इंसान है। हम कहते हैं आज के डेट में अजय मिश्रा टेनी जो है आज के डेट में उनके ऊपर कितने लोग चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो है पत्रकार मीडिया बंधु को भी गाली दे रहे हैं उसमें पत्रकार मीडिया। नहीं नहीं दोहरी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं अभी 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 कुछ लोगों ने बांझी की सरकार आएगी। अच्छा अभी कुछ लोगों ने 2022 में भाई सुन लो अभी कुछ लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाए कि प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति आखिर क्यों है। आप देखेंगे कि एक तो वैकेंसी भर नहीं रही है, दूसरे जो हमारे कर्मचारी हैं ये सरकार उनको बहुआयामी प्रतिभा की धनी बना रही है। बेसिक शिक्षा में देखेंगे अध्यापक को पढ़ाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ उनको सर्विलांस पे रखा जा रहा है। आज एक प्राथमिक शिक्षक ABSA के सर्विलांस पे है, जिला समन्वयक के सर्विलांस पे है, ARP के सर्विलांस पे है, हमारा अध्यापक कई सिस्टम के सर्विलांस पर लगा हुआ है। उसे कहा जा रहा है कि आप गल्ले तौला दीजिए, उससे कहा जा रहा है आप इंजेक्शन लगवा दीजिए, उससे कह रहा है आप डाटा फिट करवा दीजिए। आज तो एक नया काम अब आ रहा है, हमारे सेक्रेटरियों को, हमारे लेखपालों को, हमारे अध्यापकों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप रैली में लेकर के 20-20 लोगों को पहुंचिए, 50-50 लोगों को रैली में पहुंचिए। अभी हमारे डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी आए थे, सागंज सोधी 3-4 ब्लॉक के अध्यापकों को ABSA ने तत्काल आदेश दिया कि आप तत्काल वहाँ पहुँचिए, भीड़ जुटाना है। बताइए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी लोकतंत्र में पहुँच कर किसी पार्टी विशेष की भीड़ को बढ़ाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहला मौका है। दूसरे पे ये तो हर पार्टी एक दूसरे पर लोग आते हैं कि भीड़ जुटा रहे हैं, ये सब गलत बात है। सुनिए हर पार्टी में होता रहा है। ये हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है भीड़ जुटाना है। मैं आज की बात आपको बताऊं, जितनी भीड़ जुटी है हर एक आदमी त्रस्त है, हर एक आदमी यहाँ जो खड़ा है वो त्रस्त है। इसलिए त्रस्त है क्यों, सुनिए मेरी बात, सब पार्टी त्रस्त होकर अगर किसी ने BJP को वोट दिया तो कुछ उम्मीद से दिया, ठीक है, मेरी बात सुनिए, कुछ उम्मीद से दिया BJP, BJP ने जितनी बातें कही कुछ पूरी की कुछ नहीं की, किसी को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में सरसों यहाँ पैदा होता है, महंगा कितने दिन रहेगा? सरसों महंगा है, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, ठीक है आप देश के विकास में काम करते हैं लेकिन तो उफ हो गया है। उसके अलावा सुनिए, कोरोना काल में एक एक परिवार बिक गया, परीक्षा नहीं देने दिए, फीस नहीं देने दिया, कम से कम उस पर फोकस करते, स्कूलों पर प्रतिबंध लगाते, हम उफ नहीं करते, हमें थोड़ा सा लगता कि नहीं गवर्नमेंट ने कुछ काम किया। सारे सांसद विधायक माफियाओं का स्कूल कॉलेज चलता, पैसा लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है कि उनके पर कोई कार्रवाई कर दें। यहाँ मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो करते रहेंगे, लेकिन आदमी मुझे उम्मीद है भाजपा से, सपा उम्मीद है, लेकिन वर्तमान में BJP है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सरसों को तेल घटा दीजिए, बिजली कोई माप नहीं है, कितनी स्पीड में साली बिजली मीटर चलता है, एक एक आदमी परेशान, एक मैं नहीं हर और सिर्फ यूपी में, मैं पक्का भाजपा चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा योगी और मोदी से ये अनुरोध है कि अगर मैं आपके विकास को अच्छे कार्यों को सराहता हूँ तो मेरा कष्ट भी है, मैं आपसे शिकायत भी करूँगा, और ये मेरा शिकायत आपसे है कि कम से कम बिजली का माप होना चाहिए कि कितनी स्पीड में बिजली चल रही है, बिजली बिल अधिक आ रहा है। मंडी नसीफ खां जौनपुर से, सरावासी चुनाव, कृष्ण कुमार गुप्ता, ठीक है, तो मेरा शिकायत भी है और मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है मैं उनसे शिकायत करूं, और ये पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं, ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, लेकिन ये जनमन बात मैं जमीन कर रहा हूं। 4-5 चीजें खाली सुधार दें, बिजली के बिल, सरसों महंगा है, आदमी पानी में पूरी छानेगा, सब्जी बनाएगा, आपने 2 साल सबको मार दिया, आपकी अगर उसमें कोई योगदान नहीं तो योगदान दीजिए। स्कूल के जो जितने शिक्षा माफिया हैं ये पूरी तरह से काबू कर चुके हैं पूरे शिक्षा विभाग को, आपने कोई रोकथाम नहीं किया, कोई भी थोड़ा सा आप ठंडा पानी छिड़क देते थोड़ा सा राहत की बात होती, कोई एक आदमी बता दी जो इससे व्रत हो, जो इस कष्ट दूर हो, एक एक घर में सोना बेचना पड़ा है, जमीन बेचनी पड़ी है, किससे बाकी रह गई हैं,
गाड़ियां खिंच गई है, एलआईसी साला डूब गया है, कहां जाएगा ऐसा पैसा? थोड़ा सा निवारण कीजिए सर, थोड़ा सा। अगर वर्तमान सत्ता है आपकी, वर्तमान में आप सत्ता में है, तो थोड़ा सा पब्लिक की ये दुख दर्द है, आप खूब बढ़ाइए, खूब मंगाई कीजिए, लेकिन उतना सहयोग भी कीजिए, राहत दीजिए कि हम लोग जी पाए। जो जेन्युइन चीज़ें चार पाँच ही की, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और सपा बसपा भाजपा ये सरफरोग करते रहें, कर रहे हैं। अच्छा, ये आप मुख्तार अंसारी पे कुछ समझा रहे थे, उनको क्या बोल रहे थे? हमारे भाई साहब कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी से वो राजनीति करते हैं। हाँ नहीं, वो बोल रहे थे कि मायावती ने सभी माफियाओं को अंदर कर दिया था। एक भाई ने कहा कि मुख्तार अंसारी टिकट लड़े थे, तो उन्होंने कहा वो इंसान है, इंसान इंसान नहीं होता, माफिया माफिया होता है, इंसान 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 हम लोग हैं। लेकिन यहाँ कुछ माफिया कहेंगे मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा हूँ, समझ रहे हैं? कोई हो, मुख्तार अंसारी हो चाहे जो हो, माफिया माफिया है। सबसे पहले हम खुद इनकी बातों को रखें, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तुम बोलो। सबसे पहले मैं ललन टॉप की टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और पूरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने के लिए, और हम भी आपके लगभग 90.1 है, और लगभग 20 मिलियन है 2-4-10 दिन फिर उसके बाद। और हम लोग मतलब प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी फॉर्म कर रहे हैं। हम लोग का स्कॉलरशिप का इशू है, 2 साल हो गए, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, स्कॉलरशिप नहीं है। जनरल वालों का स्कॉलरशिप आ रहा है, एससी वालों का सिर्फ जनरल वालों का स्कॉलरशिप आ रहा है। और भाग्य से आप जिस पुल पे खड़े हैं वो अखिलेश यादव जी की देन है। और हम लोग जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम हम लोग बदलने, उमरनाथ सिंह के नाम से है, वो भी सदर चल रहा है, और जिलाजीत यादव के नाम से होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब जिले के शहीद आदमी थे। इससे आप लोग भी सहमत हैं? सब सहमत हैं। मैं सहमत नहीं, मैं सुन रहा हूँ। और बात हो रही है राशन की, राशन 5 रुपये पर यूनिट पे है, उसको फ्री हो रहा है, वो ठीक है, मतलब मुश्किल से 100-150 रुपये में आ जाएगा पूरा राशन, अगर फ्री ना करे तो। और गैस 500 से 1000 हो गया, उसका कोई नहीं देख रहा है। सरसों का तेल 120 से 200, पेट्रोल 70 से 100, ये फैक्ट है कि नहीं? 70 से 110 वही तो। और राशन फ्री दे रहे हैं, उसको सब देख रहे हैं, 5 रुपए पर यूनिट है। अगर 5 रुपए पर यूनिट कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, जनरल ओबीसी का फॉर्म बराबर पैसा लगता है। जनरल जब हम लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें जनरल और ओबीसी वालों का पैसा बराबर लग रहा है, ऐसा क्यों? स्कॉलरशिप लोगों को 45,000 आ रहा है, 60,000 तो पहले जनरल वालों को आ रही है, जनरल वालों को 35,000 बोले स्कॉलरशिप पे, बोले 30-35,000 आएगा। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जनरल वाले एससी वाले लेके बैठे हैं 1 महीने पहले। ₹15 लाख जो है जनरल। चलिए, इस बातचीत को खत्म करते हैं, बहुत हल्ला हो रहा है, देख लेते हैं। शुक्रिया।